हेलो, आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मॉन कलर क्रिएटिविटी सेंटर। आज हम आपको मधुबनी की लीफ पैटर्न तरह तरह के कैसे होते हैं, कैसे बनेंगे वो सिखाएंगे। आप इनके अलावा भी और कुछ तरीके के बना सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, आज इनको बनाना सीखेंगे। बहुत ईजी है ये पैटर्न, आप इनको कहीं पर भी अपने किसी भी फैब्रिक पे करेंगे जगह जगह तो भी आप उस पर डाल सकते हैं, और कुछ भी फिलिंग के लिए कर सकते हैं। ट्री बनाएंगे तो ट्री में इस तरीके की लीव्स डाल सकते हैं। सिर्फ ये पैटर्न आज समझा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट पैटर्न इस तरीके से है, जो सिंपल हमारा ऐसे होगा और इसमें महीन महीन लाइन है। ये आप चाहें तो डायरेक्ट पेन से कर सकते हैं, पेपर पे कर रहे हैं तो, वरना ब्रश से कर सकते हैं अगर आप हाथ सेट हो गया आपका, या फिर आप फैब्रिक पेन से, जो मैंने फैब्रिक पेन मंगाए थे उससे कर सकते हैं। फिर एक बार ये मोटी आउट रहेगा आपका, एक पैटर्न ये हो गया। इसी को आप कलर्ड भी कर सकते हैं, जैसे ये किया ये लाइन। अब हम ग्रीन कलर के पतले पेन से, ये आप ग्रीन ब्रश से कर सकते हैं। इसी की डबल लाइन कर सकते हैं। एक सिंपल पैटर्न ये है, ये लीफ ली, पूरा इसको फिल कर दिया कलर्स। वो कोई भी कलर हो सकता है आपका, ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है, आप ऑरेंज भी दे सकते हैं लीफ को। एक तो हो गई सिंपल ये, और एक में आप इस तरीके से लाइंस दें और एक साइड कलर करें। ये मैं सिर्फ सिखा रही हूँ इसलिए स्केच पेन से कर रही हूँ, अदरवाइज आप वाटर कलर से, फैब्रिक कलर से, एक्रेलिक कलर से, किसी से भी कलर करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हमारा ड्रॉ तो हम करेंगे इससे, ब्लैक से। ये देखिए, उसके बाद लाइंस देंगे ग्रीन से, ग्रीन से, येलो से, पर्पल से, ऑरेंज से, जिससे आप देना चाहें उससे दे सकते हैं। अब एक पैटर्न हमारा इसी में, हम सिंपल ऐसे लाइन वाला भी कर सकते हैं और ये डबल लाइन का भी कर सकते हैं। इसको ऐसे ओपन भी रख सकते हैं और पूरा कलर से फिल भी कर सकते हैं। इसको येलो कलर से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी भी डबल लाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना डबल लाइन होती है मधुबनी में उतना ही मधुबनी निकल के आती है। इसको भी हम डबल लाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और पैटर्न्स तैयार किए हैं मैंने। जैसे देखिए, अगर हम मोटिफ के रूप में किसी सूट पर, स्लीव्स पर उसकी, या साड़ी पर बड़े बड़े बॉर्डर बनाने के बाद बीच में बड़ी बड़ी बूटी देना चाहते हैं तो इस तरीके की लीफ हम ड्रॉ करके उसको दे सकते हैं। देखिए, ये भी बहुत ईजी है बनाना, सिंपल तो आप बना लोगे। मैं बड़ी वाली बस बना रही हूँ, इसको हम ऐसे कलर्ड पेन से भी दे सकते हैं, सिंगल कलर ब्लैक से भी दे सकते हैं। क्या ही सर्कल अंदर अंदर बना लीजिए, उनकी डबल लाइन कर लीजिए, फिर एक दे दीजिए। जितनी बड़ी हम लीफ बना रहे हैं उसी हिसाब से उसके अंदर के हम लीफ देते जाएंगे, और हमारा मन कर रहा है हम छोटी सी एक लीफ और दे सकते हैं। इसको चाहे तो पूरा कलर कर लीजिए, इसको भी डबल लाइन कर दीजिए। अब हम इसमें अंदर डिजाइनिंग करेंगे। देखिए, जो मैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है उससे मैं थोड़ी सी डिफरेंट बता रही हूँ, ताकि आप ये तो देख के कर ही ले, उससे डिफरेंट भी कर पाए।
अब इसके अंदर वाली जगह में हम यहाँ पर लाइंस दे देते हैं। यहाँ एक तरीके के ये भी बहुत अच्छा लगता है बैठ। आप मेरे पेज पर लाइव वीडियो देखते होंगे, उसमें मैं ज्यादातर काम अपने बच्चों से, जो छोटे छोटे स्टूडेंट आते हैं उनसे भी वाटर कलर डायरेक्ट ब्रश से ही सारी लाइंस वगैरह करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ, और वो लोग कर लेते हैं। जब वो बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। अब इसको हम कलर्ड करना चाहें तो इसे हम कलर कर सकते हैं। टोटली मधुबनी में आपकी मर्जी है, आपका इमेजिनेशन है, आप जैसा भी करना चाहें। कुछ ये नहीं है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मधुबनी में हर एक चीज का ट्राई कर सकते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा बहुत सारी पेंटिंग्स में पेड़ पर मछलियां हैं, पानी में हाथी हैं, कहीं पे भी कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज पेड़ पर नहीं होती है या ये मछलियां हवा में नहीं होती। हर जगह झाड़ियों में भी फूल पत्ती, उसमें कॉक फिश सब एक के अंदर एक मर्ज होते हैं। ये हम इसमें ऐसे लाइंस दे सकते हैं। अभी भी इस लीफ के चारों ओर भी हम ऐसे डिजाइनिंग दे सकते हैं। इसको भी डबल कर सकते हैं। जितने पैटर्न मैं बता रही हूँ उसके भी अलावा बहुत सारे मधुबनी के पैटर्न्स हैं। लीफ के अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इसमें भी हम बीच में दे दें। देखिए ये पूरा होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप इसमें थोड़ा सा, अगर आप कलर डालना चाहें सेंटर वाले में, तो थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा कलर करें, कहीं कहीं थोड़ा सा कलर दे दें। इस वाले को हम जितना भी ये है ये ब्लैक कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा निकल के आता है। देखिए ये सब काम आपको कोशिश करना है कि आप ब्रश से करें। पेपर पे जब आप कर रहे हैं तो आप अपना सीखने के लिए, लर्निंग प्रोसेस में जब आप हैं तो आप अपनी कॉपी पर डायरेक्ट पेन से और स्केच पेन से इस तरह से करके रख सकते हैं, लेकिन आप जब बनाएं तो आप कोशिश करें कि वो डायरेक्ट आपका पेन से हो, ओ ब्रश से हो। ठीक है, अब इसको पूरी कर सकते हैं डिजाइन। अब जैसे ये लीफ है, इसको बताना और बता देती हूँ। देखिए जितनी बड़ी लीफ करनी है हम उसके उतने ही बड़े ऐसे कर ले सकते हैं। ये जैसे एक में ये सिंपल है, सीधी लाइन का कर सकते हैं आप, इसको यो डबल लाइन का ले सकते हैं, ठीक है, इसकी भी यो डबल लाइनिंग कर सकते हैं। इनमें लाइंस दे सकते हैं। कलर अपनी चॉइस का ले सकते हैं। जैसे मैंने येलो और ग्रीन लिया है, आप रेड और ग्रीन ले सकते हैं, रेड और ऑरेंज ले सकते हैं, रेड और येलो ले सकते हैं, जो कलर चाहे आप पूरा फिल कर दिए। एक को फिल करिए, दूसरे को दूसरे कलर से करिए। ठीक है, अब ये दूसरी तरीके की लीफ है, ये भी बहुत सिंपल है। डबल लाइन कर दीजिए, अंदर भी एक छोटी सी लीफ बना दीजिए, इसकी भी डबल लाइन कर दीजिए और यहाँ लाइन्स दे दीजिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसे कलर भी कर सकते। और कुछ तो बिल्कुल सिंपल होती हैं ऐसे लीफ हमारी। इसको भी डबल दे दीजिए। इन्हें भी आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे भी रख सकते हैं और इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। एक एक पेटल अलग अलग कलर की भी कर सकते हैं, मतलब एक ग्रीन एक येलो एक ग्रीन एक येलो, या सारी ग्रीन या सारी येलो या सारी ऑरेंज, जो मन करे।
अब आपको ये पेटल समझाते हैं। देखो ये पेटल जो है सिंपल ऐसे शेप दी है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन करिए और पतली पतली महीन महीन ये हो गए। सिंपल एक लीफ है ये, बस इसको कलर कर दिया। और एक जो सबसे ज्यादा चलती है वो ये है, ऐसे करके छोड़ दिया। और आप इसमें चेक भी डाल सकते हैं और एक साइड कलर कर दिया। इसकी डबल लाइन करते हैं। लीफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता डबल लाइन करना, क्योंकि छोटा छोटा अगर हम बना रहे हैं तो डबल लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो हम डबल लाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सारे लीफ के पैटर्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोनों तरफ से मैंने दिखा दिया है। इसमें देखिए ये डबल करके सिंगल छोड़ दिया, बाहर वाली डबल नहीं किया, इसमें बाहर वाली भी डबल कर दिया, दो लाइन का कर दिया। ये है, ये इसमें अंदर सर्कल डाल दिया है। यही वाली सिंपल लीफ है, इसमें यहाँ छोटे छोटे सर्कल डाल दिए, इसकी डबल लाइन कर दिए इसको बस। ये मोटिफ बहुत अच्छे लगता है इस तरीके का। आप देखिए ये है, ये डिजाइन हो गई, ये लगभग एक जैसी है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसमें डिजाइनिंग चेंज करके अपनी साड़ी सूट दुपट्टे किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाले पैटर्न को सूट में बहुत अच्छे लगते हैं, कैरी कैरी जैसा, ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके देखिए।